गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो दोस्तों, आज है आपका 8 जुलाई, और 8 जुलाई को आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका ICAR IR टेक्नीशियन का जो री एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि 8 जुलाई फर्स्ट में आपके क्या क्या GK JS के प्रश्न जो कि पूछे गए थे, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, और इसका जो PDF है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि व्हाट इज़ लेंथ ऑफ गंगा रिवर, ठीक है? तो गंगा रिवर का लेंथ पूछा गया था, जिसका जो राइट आंसर है 2510 किलोमीटर। इसका आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा द गंगा जिस ट्रांसबाउंड्री रिवर इन साउथ एशिया, इट फॉलोज टू इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड द रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर विच इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न हिमालयस इन उत्तराखंड। इसके अलावा द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर द गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, रामगंगा एंड महानंदा, एंड द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडेड द यमुना, सोन, दामोदर, तमाशा और आपका पुनपुन रिवर्स, ठीक है? इसके अलावा कुछ और नदियों की लेंथ को हम लोग देखें तो आपका एक सिंधु नदी है, उसका जो आपका जो लेंथ आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2900 किलोमीटर, ठीक है? इसके अलावा एक है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग देखें तो उसका जो लेंथ आपका हो जाएगा 2808 किलोमीटर, ठीक है? इसके अलावा गंगा नदी का हम लोग देख ही लिए, एक आपका है गोदावरी नदी, उसको देख लेते हैं। गोदावरी नदी का जो लेंथ आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा 1465 किलोमीटर। इसके अलावा एक यमुना नदी, उसको हम लोग देख लेते हैं तो यमुना नदी का लेंथ हो जाएगा 1365 किलोमीटर, ठीक है? 1365 किलोमीटर आपका यमुना का लेंथ हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार के कुछ और नदियों को आपको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विच रिवर जामा मस्जिद, ठीक है? इन विच रिवर आपका जो जामा मस्जिद है वाज बिल्ट, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग जब जामा मस्जिद की बात करते हैं तो ये तो बनवाया गया था आपका किसके द्वारा? तो ये दोस्तों बनवाया गया था आपका शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है? शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया ये पूछा गया था, तो 1656 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जामा मस्जिद इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्की इन इंडिया, इट वाज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ बिटवीन 1644 एंड 1656 एट द क्रॉस्ट ऑफ 1 लाख, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग देखें तो जामा मस्जिद इज एल्सोन एज मस्जिद ए जुमनामा, ठीक है? जामा मस्जिद एल्सोन ओनेज क्या हो जाएगा? तो मस्जिद ए जुमनामा और द मॉस्की कमांडिंग व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? इट वॉज डिजाइन एज द प्रिंसिपल मॉस्की ऑफ एम्परर शाहजहाँ एंड इट इज लोकेटेड इन सिटी एंशियंट सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि इन 72 द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज इट्स फेलियर्स इन रिवाइविंग द डिग्रेडेड डैश फॉरेस्ट इन द साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ऑप्शन में आपका पलास, साल, प्याल और सगुन दिया गया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा साल, ठीक है? साल। इसके अलावा इन 1972 द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रियलाइज द मिस्टेक वाइल रिवाइविंग द डिग्रेड द साल फॉरेस्ट ऑफ द अरवाड़ी फॉरेस्ट रेंज, ठीक है? अरवाड़ी फॉरेस्ट रेंज लोकेटेड कहाँ पर है? तो मिदानपुर डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच मूवमेंट रिलेटेड टू ट्रीज टुक प्लेस इन 1917, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका चिपको मूवमेंट हो जाएगा। द चिपको मूवमेंट इज बेसिकली ए मूवमेंट स्टार्टेड इन द 1917 सेंचुरी बाय द पीपुल ऑफ उत्तराखंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इन दिस पीपुल्स हग द ट्रीज सो डेट नो वन कुड कट देम। द इम्प्रेस एक्चुअल बिकम ए सिंबल ऑफ लव बिटवीन नेचर एंड मैन एंड वाज गिवन द नेम ऑफ चिपको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वो पूछा गया था कॉमनली नॉन एज बैस्टिल डे द नेशनल डे ऑफ फ्रांस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई, ठीक है? 14 जुलाई को दोस्तों आपका ये बास्टिल डे है, फ्रांस में सेलिब्रेट किया जाता है। कॉमनली नॉन एज बास्टिल डे द फ्रांस नेशनल डे, ठीक है? इट मार्क्स द फॉल ऑफ द बास्टिल ए मिलिट्री फोर्ट्रेस एंड प्रिजन ऑन 14 जुलाई 1789 व्हेन एन एंग्री मॉब स्टॉर्म्ड इट सिग्नलिंग द स्टार्टेड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का साइन था। बास्टिल जो एक जेल है उसको लूट लिया गया था, सभी कैदी को छुड़ा लिया गया था, वहाँ से जितने भी आपके हथियार थे सबको लूटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा। एसिटिक एसिड का जो आपका
फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है CH3COOH होता है, इसे एथनोइक एसिड भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं लैक्टिक एसिड का, तो लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है केमिकल वो C3H6O3 होता है। यह पाया कहाँ जाता है, तो इट इज़ एल्सो नोन एज मिल्क एसिड। इसके अलावा अगला है साइट्रिक एसिड, ये दिस एसिड इज कॉमनली फाउंड इन साइट्रस फ्रूट लाइक लेमन ऑरेंज ETC। द केमिकल फॉर्मूला की बात करेंगे तो C6H8O7। मैलिक एसिड की बात करेंगे तो मैलिक एसिड इज डी कार्बोलिक एसिड। द मोलिकुलर फॉर्मूला इज C4H6O5। इट इज फाउंड इन द फ्रूट सच ए ग्रैप्स, वाटरमेलन, चेरीज, वेजिटेबल सच ए कैरेट एंड ब्रोकोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन वाज द फिफ्थ इंडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड। राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। दिस गेम्स विल ऑर्गेनाइज द 8 सिटीज ऑफ स्टेट भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मांडला, बालाघाट, खरगोन। ठीक है, द साइकिलिंग इवेंट, द ओनली साइकिलिंग इवेंट विल बी हेल्ड द IG स्टेडियम वर्ल्ड रोम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले महाराष्ट्र टॉप एट द मेडल टेली बाई बिगनिंग 160 मेडल्स इंक्लूडिंग 56 गोल्ड, एंड वाइल हरियाणा स्टूड सेकेंड विद द 28 मेडल्स इंक्लूडिंग 41 गोल्ड, एंड होस्ट मध्य प्रदेश फिनिश द थर्ड विद द 96 मेडल इंक्लूडिंग 39 गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन वाज द चीफ गेस्ट एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2022। ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स निशित पारमानिक। ठीक है, निशित पारमानिक वाज प्रेजेंट एज द चीफ गेस्ट ऑन ओकेजन ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी। यह आपका हुआ कहाँ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था, जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा था, सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र रहा था, थर्ड स्थान पर आपका कौन रहा था, तो हिमाचल प्रदेश रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि विच इज द लार्जेस्ट रिवर, विच इज द लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माजुली आइसलैंड। ठीक है, माजुली आइसलैंड, द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज नेम्ड माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड। द ब्यूटीफुल रिवर आइसलैंड सिचुएटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन विच कन्वेंशन डिड एनिमेशन मिक्स द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1916। ठीक है, इसके अलावा द सूरत सेशन की बात करेंगे, द सूरत सेशन आपका 26 दिसंबर 1997 में हुआ था। ये क्या हुआ था, कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन द गैसुद्दीन तुगलक एस्टेब्लिश इन डेंसिटी, तो इसका जो राइट आंसर है आपका तुगलक डेंसिटी हो जाएगा। तुगलक डेंसिटी कब स्थापना किया था, तो ईयर आपसे पूछा गया था 1320 हो जाएगा, और तुगलक डेंसिटी कब से कब तक चला था, तो 1320 से आपका 412 तक आपका ये चला था, 1412 तक। तुगलक डेंसिटी वॉज फाउंडेड इन 1320 एडी बाई गाजी मलिक, गैसुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक लीनियस इज कंसिडर्ड इंडिजीनियस। ठीक है, इसके अलावा कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड पूछा गया था, तो कार्बन कैन फोर कोवेलेंट बॉन्ड, इसका आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन वाज द स्टेट लैंग्वेज कमीशन फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका शायद 1963। ठीक है, 1963 इसका आपका क्या था, राइट आंसर दोस्तों आपका इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा गया था बिश्नोई आंदोलन से संबंधित भी कोई प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो बिश्नोई आंदोलन आपका किस पेड़ के लिए आंदोलन किया था, तो ये दोस्तों आपका खिजरी नामक एक जगह का नाम है, वहीं पर दोस्तों आपका बिश्नोई जो आंदोलन है जो कि हुआ था। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आपका चीफ गेस्ट पूछा गया था, शायद क्वेश्चन नंबर रहा है, तो फिफ्थ खेलो इंडिया इंडिया यूथ गेम्स का जो चीफ गेस्ट था वो आपका अनुराग ठाकुर था, अगर पूछा गया होगा तो, हमने तो स्टूडेंट विंटर गेम्स बताया था। ठीक है, इसके अलावा 1989 में आपका कौन सा गुजरात में डैम बनाया गया है, 199 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था नील आंदोलन के बारे में, ये कब हुआ था, तो ये दोस्तों कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका बंगाल में नील आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा डाइजेस्टर मैनेजमेंट से धारा आपका 838 आया था। ठीक है, और पोलिटी से दोस्तों आपका मैचिंग करने के लिए आया था, क्वेश्चन पूरा मिल नहीं पाया है। ठीक है, इसके अलावा सिरका में दो सीट कौन सा था, हम लोग बात कर लिए हैं। ठीक है, और आपका जो फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होस्ट भी आया था और चीफ गेस्ट भी शायद आपका इसी का आया था। ठीक है, तो अनुराग ठाकुर हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें 1989 में कौन सा गुजरात में डैम बनाया गया था, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो 1989 में दोस्तों गुजरात में आपका कंडाना डैम बनाया गया था। कौन सा डैम बनाया गया था, तो कंडाना बांध बनाया गया था। ठीक है, गुजरात के महीसागर जिले में माही नदी पर बनाया गया था। तो इसका दोस्तों आपसे पूछा गया था कि इसका जो आपका
लंबाई की ऊंचाई क्या पूछा गया था, देख लीजिएगा। हम लोग ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो इसका जो ऊंचाई है आपका कन्हाना डैम का, वो आपका 66 मीटर है, यानी कि 217 फीट है, ठीक है। इसके अलावा इसके लंबाई की बात करेंगे, तो इसका जो लंबाई है आपका 575 मीटर है, यानी कि 1886 फीट है। इसको भी याद कर लीजिएगा, शायद इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।